मिनट रुक जाए, लॉक है। एक ही अनलॉक करना, खोलूं? रुक जाओ। और कुछ है क्या? ये क्या? ये भाई का होगा ना। अच्छा ये, और ये भाई आपका है क्या? ये सामान नहीं भाई, इनको होश नहीं है भाई, हमारे बंदों को होश ही नहीं है भाई, सामान लेके भूल गए। द होस्टलर, हमारे ग्रुप के बंदे ऐसे हैं, होश नहीं है भाई, सामान खरीदा है, शॉपिंग करी है, नामो निशान नहीं है, हमारा सामान कहाँ है? आ गए हम, लिफ्ट लिफ्ट आ गई है, लिफ्ट कुछ ऐसा सा दिख रहा हूँ। हाँ भाई आओ भाई, पूछते हैं इनको कुछ याद क्यों नहीं रहता। मम्मी का दोपहर तो नहीं। हाँ भाई, तुम्हारा सामान कहाँ है जो खरीदा है? भाई गाड़ी में बैठे, वाह बैठे, मौज कर रहे हैं लोग यार। गरम है भाई, ये देखो इनको कुछ याद नहीं है भाई। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो भाई हो गए हैं रेडी, चेकआउट करते हैं, सब रेडी है ना? इनको देखो। हाँ भाई, अरे क्या हाल है? रेडी? बिल्कुल रेडी। चेकआउट, चेकआउट इसी में होगा। चेकआउट में करी, रुक जाओ रुक जाओ, क्या कर रहे हो? अल्लाह का नाम बेटे बाबा। अरे बेटे दे दे, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अब ऐसे ऐसे नीचे ले चलो भाई, जो भाई सैमसंग का नंबर ले ले। देखो बैग भर गया है पूरा सबका। ओए एक मिनट, अब हम चल रहे हैं इंडियन कैफे हाउस पहले, ठीक है? इंडियन कैफे हाउस ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हवा महल, फिर रावत की कचौड़ी। बैग मेरा अभी ले रहा हूँ। हाँ तो सब चले गए नीचे, हम लोग जा रहे हैं, ताला चाबी दिया था हमने, इसको कर रहा है वापस भाई, 50 रुपये की चपाता नहीं अगर नहीं दिया। और ये नहीं लग रहा है ताला, और भाई जान यहीं से मनाने निकल रहे हैं ऐसा लग रहा है भाई। इतने कपड़े लाए थे, आना शिमला, ये देखिए वो ट्रैकिंग अभी चालू करेगा जयपुर की पहाड़ियों पर, ऐसी टेढ़ी रखी। चले ये हमारे सोनू भैया हमारा इंतजार करते हुए। सोनू भैया है क्या? Let's roll baby. Few moments later. हाँ तो भाई रेडी, इंडियन कॉफी हाउस में मिलते हैं चुके हैं। इंडियन कॉफी हाउस बाहर से कुछ ऐसा दिखता है भाई, गलत है। होम्योपैथिक क्लीनर डॉक्टर पाल, पर अंदर बहुत है बढ़िया है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ऐसा कुछ है उसमें थोड़े इनको दुख हो गया, आज इनका कीमा नहीं है,
न कीमा नूडल्स आ रहा है, न कीमा ना मटन डोसा आ रहा है, आ वेज रहा है सारा। तो यहाँ मतलब ये बहुत पुराना है, सब इंडियन वाले इसकी हिस्ट्री है, पुरानी है ना, बहुत पहले का है। ठीक है, मतलब जब हमारा वो हुआ था इंडिपेंडेंस, ये उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कि जब उस टाइम पे बना था। ठीक है, तो ये यहाँ देख के, तो ये उसी टाइम के हिसाब से चलता है, और यहाँ का सारा रहन सहन और एटमोसफेयर बहुत पुराना है। और ये थीम भी वही है, थीम भी वही है, इंडियन थीम है। टिप्पी पी ना कटोरी उसमें ले जाते हैं, एक प्लेट सी रहती है स्टील की, बर्तन इंडियन बर्तन रहते हैं, मस्त है। इसका मेन्यू भी बहुत सस्ता है भाई, और इसका मेन्यू बहुत खतरनाक है। हाँ, और पता है सर्विस बहुत फास्ट है इसकी, सर्विस अच्छी है, फ्रेश है। हैं नहीं, मतलब सर्विस बहुत फास्ट है, सर्विस 10 out of 10 है भाई, और टेस्ट भी। कुछ ऐसा मंगाया है सौरभ में, इंडियन नूडल्स, इसका पनीर मसाला, ओ पनीर डोसा, सबका 3 पनीर डोसा हो गया, इसका मसाला डोसा। भाई मेरा नहीं आया, मेरा चश्मा मिला है खाने के लिए, कुछ भी। राउंड शुरू हो चुका है। हाँ भाई, दूसरा राउंड है। ये ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट क्या होता है, ब्रंच है भाई। चलो चलो चलो, कुछ स्टाइल में ये आते हैं, इसमें पेमेंट करनी होती है, ऐसे बिल दिखा दियो, इसमें बिल रख के आते हैं अपना, अलग अलग है सबका, टोटल आ जाता है एक बिल, तो इसमें हम रख के दे देते हैं, ये उठा के ले जाते हैं। भाई एक दिक्कत महसूस हुई है जयपुर में, जयपुर में एक डिफॉल्ट है भाई, डिफॉल्ट है भाई, कि हाँ भाई कभी भी रोड की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं भाई। यहाँ हम आधे घंटे से रॉन्ग साइड चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा रॉन्ग साइड है। कभी भी भाई एक सिंगल लेन कर देते हैं, और कभी भी डबल कर देते हैं, कभी भी डबल कर देते हैं, बैरिकेड लगा, बैरिकेड लगा देते हैं, कभी भी कोई भी रोड बंद हो जाता है, रात में आते हैं आधे ज्यादा रोड पे बैरिकेड। नेशन वॉन्ट्स टू आस्क, कुछ ऐसी मार्केट है यहाँ की, मतलब बिल्डिंग ना बहुत हद तक सेम है भाई, एक ही कलर है, इसीलिए पिंक सिटी कहा जाता है इसे। ये देखो, ये मार्केट है, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ क्या होता है, शॉप नंबर लिखे रहते हैं, इसलिए बंदे कंफ्यूज नहीं रहते। तो हवा महल के अंदर घुस चुके हैं, तो भाई बैक है, ये है फ्रंट, हवा महल मेन एंट्री हो गई है। आजा, हाँ ओके, इधर आजा, हाँ ये है, अब अंदर जाके दिखाते हैं। ये कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ये इनका निजी कक्ष है। हाँ, ये इनका निजी कक्ष है, यहाँ पे कृष्ण जी की आराधना करते थे। ओके, कृष्ण जी के मानते थे बहुत। ये महाराज सवाई प्रताप सिंह का निजी कक्ष है, और यहाँ पे कृष्ण जी की आराधना करते थे, कृष्ण जी की कुल देवता थे, लोग उनको बहुत मानते थे यहाँ पे, और इसके अलावा ये बहुत बेहतरीन कवि थे। ओके, इनका लिटरेचर में बहुत रुचि थी, उनका बहुत। तो आप लोग, मैंने दिखा भी दिया, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल, दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ छोटी छोटी खिड़की बनी है, देखो यहाँ, ये वो जगह है जहाँ हम खड़े थे अभी, यहाँ से मैंने आपको बाहर से दिखाया। ये 3 कमरों से जाते थे क्या? चल, I'm gonna go to the hospital.
ये कोई और किला है, ये कुछ ऐसा स्नैप बना लो, स्नैप बना ले भाई को, स्नैप बनानी है बनाने देते हैं। देखो आने जाने वाले सारे साथ गए हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, हम तो आस पास साथ में और रात साथ बात करे क्यों ना रह लूं ना, अब तो आए जा आए जा हम खुले जाए जा आए जा, अब तो आए जा हम खुले जाए जा ये कुछ मस्त है भाई, मस्त है चलो जाए। यहाँ हवा है भाई, हवा में है क्यों पहले मुझे बताओ, हवा आ रही है भाई चारों तरफ, हवा तो मेरे घर में आती है, पर यहाँ कुछ ज्यादा आ रही है, बंद है भाई, बंद है फोन के। अभी क्या हवा चल रही है, ये व्यू पॉइंट हटियो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से, मस्त है भाई व्यू पॉइंट, या तो दिखाता हूँ आपको, बस जयपुर ट्रिप एंड, आ जाओ भाई सारे, सारे आ जाओ। हाँ भाई कैसी लगी जयपुर ट्रिप? अरे बहुत ही बेहतरीन भाई, मुझे अगली बार कहाँ कहाँ प्लान करें? अगली बार पहाड़ों में जाएंगे, अगली बार पहाड़ों पे, लेकिन वो सस्पेंस है, सस्पेंस रखेंगे नेक्स्ट बार, सस्पेंस है हाँ, पर इतना बता दिया अगली बार पहाड़ों पे। चलो तो भाई बाय, बाय कर दो, ओवर एंड आउट।